अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होममेड घर का ही होता है। ये जो है ये चावल का पानी और दाल का पानी है जो मैंने कल मेरे घर से निकला था, तो मैंने दोनों को ऐड करके रात भर के लिए रख दी थी मैंने। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अमेजिंग है, इससे आपके पौधे बहुत ही अच्छे ग्रोथ होंगे, उनकी ग्रो करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। और आपके पौधों में, पौधे की मिट्टी में अगर कीड़े फंगस वगैरह कुछ होते हैं तो ये हल्दी है, इससे आपके पौधों में, ये हल्दी है इससे आपके पौधों में फंगस, कीड़े, कीटनाशक जो भी होंगे वो सब निकल जाएंगे। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच। और आपके पौधे में अगर फलने आ रहे हैं, फूलने आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे आपके पौधों में फल और फूल आना शुरू हो जाएंगे। आपका कौन सा भी, कैसे भी पौधा हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको देना कैसे है। चलिए, ये इसको मैंने मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे एक इसमें ट्रांसफ़र करूँगी जिससे भी हमें स्प्रे करना है। स्प्रे बॉटल में इसे ट्रांसफ़र कर दो। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सीताफल का पौधा है, शरीफा जिसे कहते हैं। ये मैं इसमें अभी डायरेक्टली दूंगी, डायरेक्टली आपको स्प्रे करना है इसका। और ये मेरा नींबू का पौधा है, इसमें जो भी फंगस हो, कीड़े वगैरह हो, वो सब निकल जाएंगे आपके। आप इसको पत्तों पे भी छिड़काव कर सकते हैं, इसका आपकी पत्तियों में अगर कीड़ा लग गया हो या फिर कुछ फंगस वगैरह लग गया हो तो आप इसका पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ पत्तियों पे सब कैसे छिड़काव करना। आपको सब पत्तियों पे ऐसे छिड़काव करना है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टमाटर का पौधा है, इसमें फूल ही नहीं आ रहे थे, इसे मैंने हर 15 दिन में देना स्टार्ट किया, तो ये देखिए इसमें फूल आना शुरू हो गया अभी जस्ट। ये देखिए, इसे हर 15 दिन में आपको देना है। आपका घर का, घर में चावल बनते हैं, दाल बनती है, तो उसका जो भी पानी निकलता है देना है आपको। और आपको होममेड अगर घर का फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो पौधों में, तो आपको जैसे नीम खली हो या फिर मस्टर्ड केक हो, वो भी देते रहना है इसके साथों साथ, तो आपके पौधे में फूल बनना स्टार्ट होंगे, फल लगेंगे उसको। क्योंकि सिर्फ घर के फर्टिलाइज़र से इसमें जो मतलब ये होता है, वो उससे फूल तो तैयार हो जाएंगे लेकिन फल नहीं बनेंगे। आपको
नीम खली, मस्टर्ड केक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स है, तो आपको इसके साथ वो भी देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बचा हुआ है थोड़ा सा, अब ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये भी हम स्प्रे कर देंगे जो मेरे दूसरे प्लांट से, मनी प्लांट, एलोवेरा, और उसमें बाकी जो भी मेरे छोटे मोटे पौधे हैं उसमें मैं इसको डाल दूँगी। इसमें भी मैंने टमाटर का लगाया हुआ है, कोथमीर का है, हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो, थोड़ा भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए वीडियोस, और मुझे मोटिवेट कीजिए प्लीज़।